इन दिनों प्रदेश कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान के कारण जो स्थिति बनी हुई है उससे हर कोई वाकिफ है। इन हालातों के कारण कांग्रेस संगठन कमज़ोर पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी अजय माकन की जिम्मेदारी है कि वो इस डैमेज को कंट्रोल करें और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे शीत युद्ध को बंद कराएं। पिछले साल सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा जा बैठे थे, उसके बाद अशोक गहलोत सरकार को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय कोरोना महामारी ने भी लोगों को घेर लिया था। हालांकि सरकार ने बेहतर तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया और सरकार भी बचा ली। वहीं साल 2021 में फिर से सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। निर्दलीय विधायकों ने भी अशोक गहलोत सरकार का समर्थन कर सचिन पायलट ग्रुप को आईना दिखाने की कोशिश की, तो पायलट पिछले 2 महीने के अंदर 2 से 3 बार दिल्ली जाकर बैठ गए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं मिल पाए। उनकी मुलाकात प्रदेश प्रभारी अजय माकन से ज़रूर हुई थी। माकन भी समय समय पर प्रदेश की सरकार ठीक है और सचिन पायलट से तालमेल ठीक है पर बयान देते हुए नजर आए, मगर हकीकत यही है कि सचिन पायलट अपनी नाराज़गी पूरी तरीके से अजय माकन को सुनाते थे और माकन उनकी पूरी बात सुनकर उनको धैर्य रखने की बात कहते थे। मगर पिछले 1 हफ्ते में बहुत से कांग्रेस के नेताओं ने अजय माकन से बात की है, मिले हैं, उसमें सचिन पायलट गुट के लोग भी हैं और अशोक गहलोत के भी। इस सब के बीच मंगलवार को माकन एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी मुलाकात होगी। इस दौरान राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी उनकी सीएम गहलोत से बात होगी। अब देखना यह है कि अजय माकन का यह दौरा कांग्रेस की खींचतान को रोक पाता है या गहलोत पायलट के बीच चल रहा शीत युद्ध अभी और लंबा चलता है।